Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार, मैं श्रेष्ठ एक बार फिर से आप सभी का इस लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करता हूं। मैं वर्तमान समय में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान विभाग में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूं। हम लोग इस लेक्चर सीरीज़ में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से संबंधित विभिन्न विषयों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हम लोग अब तक इस लेक्चर सीरीज़ में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उसके अर्थ तथा उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। अभी तक हमने यह समझा कि हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर किसे कहते हैं तथा किन अन्य विषयों का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में एज ए सब्जेक्ट डेवलप होने में क्या योगदान है। उसके बाद हमने यह जाना कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो हिस्ट्री है, किस प्रकार यह सब्जेक्ट आज जिस स्थिति में है, इसकी जो विषय वस्तु है, इसमें हम किस प्रकार का अध्ययन करते हैं, उसमें जो हिस्टोरिकल चेंजेस आए, जो हिस्टोरिकल अप्रोचेस डेवलप हुई, उसके बारे में हम लोगों ने अभी तक चर्चा की। आज के इस लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग यह जानेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अर्थात संगठन की संरचना क्या है, उसका अर्थ क्या है और वह क्यों हमारे लिए जानना ज़रूरी है। इसका हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करने वाले व्यक्तियों तथा हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल फंक्शनिंग में क्या प्रभाव है, इसी के विषय में आज के इस लेक्चर में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम लोग स्ट्रक्चर अर्थात संरचना के शब्द का सामान्य शब्दों में अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो सामान्य शब्दों में यदि हम कहें कि संरचना किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं किसी भी चीज़ के, जैसे यदि हम कहें कि आपकी शारीरिक संरचना किस प्रकार की है, तो आप क्या बताएंगे कि आपके जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट हैं वो किस प्रकार एक दूसरे से मिलकर बने हुए हैं, किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनका एक दूसरे से क्या संबंध है और ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स किस प्रकार एक दूसरे से मिलकर जो इन बॉडी पार्ट्स का तथा इस हमारी पूरी बॉडी का जो फंक्शन है उसे किस प्रकार पूरा करते हैं, यह आप एक शारीरिक संरचना के माध्यम से बता देंगे। यदि हम किसी से किसी के घर के विषय में, किसी कमरे के विषय में या किसी बिल्डिंग के विषय में भी जब बात करते हैं, तो वो उसके स्ट्रक्चर के बारे में जब बताता है तो वो बताता है कि यह बिल्डिंग किस प्रकार बनी है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स लगे हैं, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, इसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे यदि यह बिल्डिंग है तो इसके कंपोनेंट होंगे कि इसमें कितने रूम्स हैं और कौन कौन सी फैसिलिटी है इस बिल्डिंग में, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट इस बिल्डिंग के कंपोनेंट हैं ये किस प्रकार एक दूसरे के साथ मिलकर बने हैं और किस प्रकार ये बिल्डिंग के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट
एक दूसरे के साथ मिलकर किसी फंक्शन को पूरा कर रहे हैं और ये सारे फंक्शन मिलकर एक दूसरे पर किस प्रकार डिपेंड कर रहे हैं और पूरी की पूरी बिल्डिंग के सारे एलिमेंट सारे कंपोनेंट मिलकर किस प्रकार एज ए बिल्डिंग जो इस बिल्डिंग का ऑब्जेक्टिव है उसे फुलफिल कर रहे हैं। यदि यह कमर्शियल बिल्डिंग है तो उसके डिफरेंट कंपोनेंट होंगे और वो कंपोनेंट आपस में डिफरेंट तरीके से जुड़े होंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो पर्पज़ है बिल्डिंग का वो डिफरेंट है। उसी प्रकार यदि यह रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो इसके जो कंपोनेंट होंगे वो डिफरेंट तरीके से बने होंगे, उनके रिलेशनशिप डिफरेंट तरीके के होंगे क्योंकि उनका जो पर्पज़ है वो डिफरेंट है। तो हमने यहाँ देखा जब हम किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो हम उसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, किन किन चीज़ों से वो मिलकर बना है, और यह बात करते हैं कि ये जो पार्ट्स हैं ये आपस में एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं। और ये जो इन पार्ट्स का संबंध है आपस में यह किससे गवर्न होता है? किसी एक कार्य से। अर्थात जैसे यदि मेरी बॉडी में मेरे हाथ में मेरे पास उंगलियां हैं अंगूठा है, अब उंगलियों का और अंगूठे का जो संबंध है आपस में वो इस तरीके का है कि जिसका फंक्शन है अगर मेरे हाथ का कि किसी चीज़ को पकड़ना है ग्रिप करना है, तो अब मेरे ये बॉडी के पार्ट्स मुझे हेल्प कर रहे हैं किस तरीके से, इनका जो रिलेशनशिप है वो वर्क कर रहा है इस फंक्शन को पूरा करने के लिए। तो इसी प्रकार से हम कभी भी जब किसी चीज़ की संरचना के बारे में बात करते हैं तो उसके पार्ट्स उसके संबंध और वो जो संबंध हैं किस चीज़ पर आधारित है, वो जो कार्य करने के लिए बने हैं उसके आधार पर हम यह बताते हैं कि इसकी क्या संरचना है। उसके साथ साथ इसमें एक चीज़ और ऐड होती है कि क्या हायरार्की है। अर्थात जब हम बिल्डिंग के या अपनी बॉडी की बात कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस और उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली उनका अपना अपना कंट्रोल है अलग अलग जगह पर। जैसे मेरे अगर ब्रेन के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उनका मेरी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे अपना अलग कंट्रोल है। मेरा कोई ब्रेन का पार्ट मेरी बॉडी के किसी पार्ट को कंट्रोल कर रहा है तो उसका कंट्रोल कहाँ तक है? उस बॉडी पार्ट तक। दूसरा बॉडी पार्ट किसी और फंक्शन के लिए बना है तो उसका कंट्रोल किसी और फंक्शन पर है। तो इस प्रकार हमने देखा कि स्ट्रक्चर का क्या सामान्य शब्दों में अर्थ हो सकता है। अब हम देखते हैं कि क्या हम इस नॉलेज को अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को समझने में इस्तेमाल या प्रयोग में ला सकते हैं, और यदि हम इसे इसके प्रयोग में ला रहे हैं तो क्या इन दोनों के बीच में कोई मेजर डिफरेंस है या नहीं। तो अब हम देखते हैं कि जब हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को सामान्य शब्दों में परिभाषित करते हैं तो यह कहता है कि किस प्रकार अर्थात वो कौन सा प्रोसेस है जिससे संगठन के विभिन्न पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जैसे एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी मशीन्स रिसोर्सेज ये किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनका जो पर्पज़ है जुड़ने का वो है कार्य क्षमता को बढ़ाना। किसकी? संगठन की। अर्थात हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सारे कंपोनेंट मिलकर एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्टेड हैं किस तरीके से जुड़े हुए हैं इस पर्पज़ को कंसीडर करते हुए कि हम सभी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस को या उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाना है। तो ये एक बेसिक शब्दों में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का अर्थ हुआ। अब हम इसे डिटेल में समझते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक कैसा प्रोसेस है? ये समहाउ कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों है?
क्योंकि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में भी जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थे वो बदले हैं। हमारा जो पहले साइज़ था वो बदल गया, धीरे धीरे समय के साथ डिफरेंट डिफरेंट एडवांसमेंट्स के साथ बिल्डिंग जैसे पहले बनती थी अब उनका बनने का तरीका बदल चुका है। तो अगर बिल्डिंग हमें नहीं करानी है तो अब हम उसका स्ट्रक्चर बदल देते हैं। तो टेक्निकली ये कहने का अर्थ है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसा परमानेंट स्ट्रक्चर तो है जो रिलेटिवली परमानेंट है, लेकिन इसमें हमेशा कंटिन्यूस चेंजेस आते रहते हैं और हम उन चेंजेस को अडॉप्ट करते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में जो डिज़ायरेबल इम्प्रूवमेंट्स हैं, जिन एडवांसमेंट्स को हम करना चाहते हैं, उन्हें इनकॉर्पोरेट करते रहते हैं। तो यह कंटिन्यूस प्रोसेस है, समहाउ रिलेटिवली स्टेबल है। रोज़ रोज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा, 6 महीने में नहीं बदलेगा, 1 साल में नहीं बदलेगा। जैसे बिल्डिंग है तो हम डेली अपनी बिल्डिंग बनाते दोबारा तोड़ते नहीं हैं। हमारी इसी तरह से बॉडी है तो ऐसा नहीं है कि वो डेली अपना स्ट्रक्चर अपना स्वरूप बदल रही है। रिलेटिवली स्टेबल है, लेकिन इसमें जो चेंजेस की पॉसिबिलिटीज़ है वो डेवलपमेंट के माध्यम से हमेशा बनी रहती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह है इंटरकनेक्शंस, अर्थात स्ट्रक्चर में हम लोग जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके साथ साथ किस पर और अपना ध्यान केंद्रित करते हैं कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं ये एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। तो जब मैं अपनी बॉडी के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ तो मैंने क्या बात की, अपने बॉडी के पार्ट्स के बारे में बताया, उसके साथ साथ मैंने फोकस किस पे ज़्यादा किया, अपने बॉडी पार्ट्स के रिलेशनशिप पर। क्योंकि ये जो फंक्शनिंग है ये किस पर आधारित हो रही है कि ये बॉडी पार्ट एक दूसरे के साथ मिलकर किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। इसी तरीके से संगठन में जब हम बात करते हैं तो हमारा फोकस संगठन के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ साथ किस प्रकार वो कंपोनेंट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, किस प्रकार एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, इस पर हमारा फोकस रहता है। क्योंकि जब ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलते हैं, अपने फंक्शन को पूरा करते हैं, तभी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाते हैं। उसके बाद इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का क्या अर्थ है? इंटरडिपेंडेंस का अर्थ है कि किस प्रकार कोई एक कंपोनेंट अपने कार्य को पूरा करने के लिए दूसरे पार्ट या कंपोनेंट पर निर्भर करता है। जैसे यदि मेरा हाथ अपना कार्य करने के लिए मेरे ब्रेन के सिग्नल्स पर डिपेंड करता है कि जब मेरे ब्रेन से सिग्नल मिलेगा तो मेरा बॉडी का ये पार्ट कार्य करेगा। तो यहाँ क्या हुआ, इस रिलेशनशिप के साथ साथ इस रिलेशनशिप की नेचर में जो एक विशेष गुण है वो है इंटरडिपेंडेंस। मेरा हाथ अगर मेरे ब्रेन से कट कर दिया जाए तो वो कोई कार्य नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी फंक्शनिंग इंटरडिपेंडेंट है मेरे ब्रेन पर। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स और डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज़ जो वहाँ कार्य कर रहे हैं, उनका कार्य एक दूसरे के संबंधों के साथ साथ उन संबंधों में होने वाली इंटरडिपेंडेंस पर कार्य करता है। यदि मेरा कार्य किसी दूसरे के कार्य से संबंधित है और मैं अपना कार्य तभी पूरा कर सकता हूँ जब वो अपना कार्य पूरा करेगा, तो अब यहाँ पर जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊँगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन का तो मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो मेरी इंटरडिपेंडेंस का नेचर है ये किस तरह का है। तो अगर ये वाला मेरा फंक्शन सिर्फ तभी पूरा हो सकता है जब ये वाला डिपार्टमेंट अपना काम पूरा करे, तब इस डिपार्टमेंट का टास्क शुरू होगा। तो मुझे स्ट्रक्चर करते हुए इस बात का ध्यान रखना होगा कि पहले कौन सा टास्क कंप्लीट होगा, उसके बाद नेक्स्ट टास्क कौन कंप्लीट होगा, उसी के अकॉर्डिंगली मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डेवलप करता हूँ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एम्प्लॉयज़ और टास्क। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ और टास्क का क्या अर्थ है? संगठन में ये दोनों ही एक संगठन के टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज के बाद दो महत्वपूर्ण अवयव हैं।
हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कौन काम कर रहा है, व्यक्ति काम करते हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, सैलरी मिल रही है, किसके लिए मिल रही है, किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो एक बेस है, कॉमन ऑब्जेक्टिव, वो क्या है, टास्क। उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए ही इस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया गया है। तो जब मैं ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का डिस्कशन करूँगा, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए प्लान करूँगा या स्ट्रक्चर को प्लान करूँगा, तो मेरा जो एक मेन कॉन्सेप्ट, मेन कंसंट्रेशन होगा, वो कहाँ पर होगा, टास्क पर भी होगा कि किस तरह के का टास्क हमें कंप्लीट करना है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रोडक्शन यूनिट है, हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, यदि हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं तो हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि ये नेचर ऑफ टास्क ही आगे मुझे हेल्प करेगा मेरी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स को समझने में, उन्हें डिफाइन करने में, मेरे एम्प्लॉयज़ के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके रोल्स को डिफाइन करने में मेरे टास्क की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में एक मेजर कंपोनेंट की तरह टास्क को रखते हैं। उसके बाद जो सेकंड है वह है एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ क्यों एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो रहा है वो मशीन भी यदि कर रही हैं तो उन्हें कौन ऑपरेट कर रहा है, एम्प्लॉयज़। तो यदि अभी तक तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में AI या इस तरह की टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि हम लोगों ने एम्प्लॉयज़ को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया हो, अभी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो ज़्यादातर काम होता है वो किनके द्वारा काम पूरा किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के द्वारा। तो यदि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं जो उसका कोर है किसी भी फंक्शन को पूरा करने का, तो जब मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का डिस्कशन करूँगा तो अपने एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ के नेचर और उनकी स्किल्स, क्योंकि मैं अपने रोल्स, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ किससे फुलफ़िल कराने वाला हूँ, एम्प्लॉयज़ से, तो उनकी नेचर, उनकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ये मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद है मल्टीपल स्ट्रक्चर इन सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। क्या एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल स्ट्रक्चर्स डेवलप किए जा सकते हैं? तो जो बहुत नए मॉडर्न मेथड्स हैं या कुछ पुराने मेथड्स हैं, उनमें भी ये इस्टेब्लिश किया गया है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जैसे यदि एक मेरी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और पहले मैंने उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर डेवलप किया और उस ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हो सकता है मैं डिफरेंट रखूं, अपने डिपार्टमेंट का मेरा स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, या अगर उसमें 2, 4, 6 n नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं तो एक डिपार्टमेंट का जो फंक्शन है, जो उसके टास्क हैं, जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं और जो उसके पास रिसोर्सेज हैं, उस डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर मैं उसके अकॉर्डिंगली एक डिफरेंट तरीके का डिज़ाइन करूँ, एक डिफरेंट मॉडल प्रिपेयर करूं, और जो मेरा दूसरा डिपार्टमेंट है जिसके टास्क, जिसके रिसोर्सेज, जिसके एम्प्लॉयज़ डिफरेंट तरीके के हैं, तो वहाँ पर मैं दूसरे तरह के स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करूं। तो यहाँ कहने का अर्थ यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट टास्क के और डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज़, डिफरेंट डिफरेंट नेचर ऑफ वर्क को कंसिडर करते हुए आप एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइजेशन में देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने देखा कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का एक सामान्य शब्दों में किस प्रकार से हम लोग उसके अर्थ को समझ सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से लिटरेचर में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या ये डेफिनेशन इस एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन पर जो हमने अभी चर्चा की उसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर रही है, या वो इन्हीं चीज़ों को दोबारा एक फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड वे में डिस्कस कर रही है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ब्लू ने किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को परिभाषित करा। तो उन्होंने कहा
कि ये क्या हमें बता रहा है, डिस्ट्रीब्यूशंस अलोंग वेरियस लाइंस ऑफ अ प्यूपिल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो हमारा स्ट्रक्चर है हमारे एम्प्लॉयज़ का, अमंग सोशल पोजीशंस अर्थात हायरार्की, मतलब उनको क्या पोजीशन दी गई है, उनका क्या कार्य है, जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग पोजीशंस हैं और वो पोजीशन निर्धारित करते हैं उनका क्या कार्य है, जो किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, रोल रिलेशंस अमंग दीज पीपल, अर्थात वो जो हायरार्की है और जो लाइन है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये उनके जो रिलेशंस हैं, रोल रिलेशन, भूमिका, कार्य भूमिका जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन में है, जैसे कि डिवीज़न ऑफ लेबर और हायरार्किकल पोजीशंस। अगर सामान्य शब्दों में मैं देखूं, तो जैसे यदि हम ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास 10 लोग हैं या 20 लोग काम करने वाले हैं, तो हमने दो दो या चार चार के ग्रुप बना के उनका जो काम है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि आपका ये टास्क है, आपको ये कार्य पूरा करना है, आपको ये कार्य पूरा करना है। तो हमने क्या किया, जो हमें कार्य कराना है उसका डिवीज़न कर दिया। उसके बाद सेकंड क्या, हायरार्किकल पोजीशन, अर्थात उसमें से कुछ लोगों को हमने सुपरवाइज़र की तरह नियुक्त किया कि आपका क्या कार्य है कि इन लोगों के कार्य को सुपरवाइज़ करना है कि लोग किस तरह से कार्य कर रहे हैं, आपका क्या काम है, आपका बाहर फ्रंट पे जो टास्क है वो आपको करना है, आपको कौन आपको डायरेक्ट करेगा, आपको ये डायरेक्ट करेंगे, इनसे आप जानकारी प्राप्त करेंगे कि आपको क्या कार्य करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, डिवीज़न ऑफ लेबर के साथ साथ हमने जो हायरार्किकल पोजीशंस हैं, जो रोल असाइनमेंट है, उसमें जो पोजीशंस का डिफरेंस है वो वहाँ पर हमने इस्टेब्लिश किया। उसके बाद जो दूसरी डेफिनेशन है उसमें हम देखते हैं, तो ये क्या कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसे रेफर करता है, एक ऐसे अरेंजमेंट को, स्ट्रक्चर अरेंजमेंट, जैसे हमने अभी किया डिवीज़न ऑफ लेबर, क्या किया, अरेंजमेंट कर दिया कौन क्या कार्य करेगा, एक अरेंजमेंट, पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, हायरार्किकल रोल पोजीशंस जो उनकी सोशल पोजीशंस है ऑर्गेनाइजेशन में, एंड द अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप अमंग देम, अर्थात मेरी क्या अथॉरिटी है इस ऑर्गेनाइजेशन में और मेरी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी क्या अथॉरिटी है, तुम्हारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीज़ों को मिलाकर जब हम एक ऐसा अरेंजमेंट तैयार करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के रूप में समझ सकते हैं। जैसा आप बाहर अगर कहीं देखते हैं कि कोई ग्रुप बनता है तो भी आप देखेंगे कि हम सब लोग अपने अपने रोल्स डिफाइन कर लेते हैं, अपनी अपनी अथॉरिटी डिसाइड कर लेते हैं कि आप कैप्टन होंगे, आपका ये रोल है, आप बैट्समैन हैं, आप बॉलर हैं, आपको ये लीड करेंगे, ये कोच हैं, ये मेंटर हैं। यहाँ पर भी हमने इनफॉर्मली लोगों को उनके रोल्स, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी हायरार्किकल पोजीशन बताई। इसी तरीके से हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोगों के रोल्स, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी पोजीशन को वहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं, अरेंज करते हैं, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर वे में फंक्शन कर सके। तो उसे ही हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की संज्ञा देते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को क्यों डेवलप करते हैं, हमें क्या ज़रूरत है इस पूरे के पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होने की, क्यों हम नॉर्मली ऐसे ही काम नहीं करने दे रहे हैं, जो आया उसे बता दिया तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, क्यों हमें एक फॉर्मल स्ट्रक्चर की ज़रूरत हो रही है। अब यहाँ देखेंगे कि अब ये ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या फुलफ़िल करेगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो इफ़ेक्टिवनेस है उसे इम्प्रूव करने के लिए बनाया जा रहा है। इम्प्रूव कैसे, कि यदि हमारे पास अभी 100 लोग हैं काम करने के लिए, तो यदि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को इस तरीके से डेवलप करूं कि मैं इनको मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकूं, किसके पर्सपेक्टिव में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बेहतरी के लिए, उसकी इफ़ेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए, तो हम ऑर्गेनाइजेशनल में ऐसे ही स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जिसमें हमारे पास जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, एम्प्लॉयज़ हैं,
उनका इस तरीके से अरेंजमेंट, इस तरीके से उनको रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन और अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सके। तो पहला हुआ टू मैक्सिमाइज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। अब दूसरा क्या है, रेगुलेट एम्प्लॉयज़ टू वर्क इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम इसे दो पार्ट्स में समझते हैं, रेगुलेट एम्प्लॉयज़ अर्थात अगर जो मेरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो मेरे पास है, मुझे पता है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपने एम्प्लॉयज़ को रेगुलेट कर सकता हूँ। रेगुलेट किस सेंस में, क्योंकि मुझे पता है इनके क्या रोल्स हैं, इनके क्या असाइनमेंट हैं, और अब मैं उन्हें इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से किस तरफ इंक्लाइन कर सकता हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। क्योंकि मैंने ये इस्टेब्लिश किया, ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, ये मेरे एम्प्लॉयज़ के रोल हैं। यहाँ ये सब चीज़ें मैंने कहाँ पे इस्टेब्लिश की, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर मैं उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के माध्यम से अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कार्य करने के लिए रेगुलेट कर पाऊँगा। अब इंश्योर हायरार्किकल एंड पावर पोजिशन। तो हम और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से क्या पाते हैं कि किसका क्या हायरार्किकल रोल है, ये इंश्योर करते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि किसकी क्या पावर है। पावर का यहाँ पर क्या अर्थ है कि मैं सामान्य शब्दों में कि किस तरीके से बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ ताकि वो इस तरीके से कार्य करें जैसा मैं उनसे कह रहा हूँ, या मेरी जो विषय या मेरा जो इंटरेस्ट है। यदि मैं चाहता हूं कि वो इस तरीके से कार्य करें, मैं पावरफुल पोजीशन में हूं, तो मैं उन्हें इन्फ्लुएंस कर दूंगा ताकि वो इस तरीके से कार्य कर लें। हायरार्किकल पोजीशन अर्थात कौन क्या हायरार्की ओन कर रहा है, किसका स्पैन कितना है, कितने लोग मुझसे प्रभावित होंगे, कितने लोगों को मैं प्रभावित कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम लोग हर व्यक्ति के, हर एम्प्लॉय के क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके साथ साथ क्या उनकी हायरार्किकल और पावर की पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में, ये इस्टेब्लिश करते हैं। जैसे आप यदि पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं तो आप देखते हैं कि कांस्टेबल लेवल का जो व्यक्ति है उसकी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके अपने अलग हायरार्किकल पोजीशन है, उसकी अपनी अलग पावर पोजीशन है, SI की अलग है, DIG की अलग है, और जिस तरीके से ये हायरार्किकल पोजीशन इस्टेब्लिश की गई है उसमें वो डेजिग्नेशन क्लियरली ये मेंशन है कि किसकी क्या पोजीशन है, किसकी क्या पावर या किसका क्या स्पैन ऑफ कंट्रोल है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के और क्या ऑब्जेक्टिव हैं। अब हम देखते हैं डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन। हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये ध्यान में रख के बनाया जाता है कि कौन क्या डिसीजन लेगा, किस तरह के डिसीजंस किसके द्वारा लिए जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो सॉल्व होगा, वो इंश्योर होगा कि हाँ ठीक है, अब मुझे पता है, मेरे पास ये पोजीशन है, मुझे डिसीजन लेना है, तो अब हम डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं। उसी तरीके से ये क्या इंश्योर करता है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के माध्यम से। ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग के लिए कम्युनिकेशन एसेंशियल कंपोनेंट है। हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलनी है, कितनी मिलनी है, कैसे मिलनी है, ये सारा का सारा हमारे कम्युनिकेशन का जो मैकेनिज्म है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उससे निर्धारित होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में को बनाते हुए हम लोग यह भी ध्यान रखते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस होगा, किस मैकेनिज्म से हम लोग एक इन्फॉर्मेशन को एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक या एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक पहुंचाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि हमारे जो डिफरेंट एलिमेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन के, या जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से काम करें, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करें।
और हमारे विदिन ग्रुप भी जो व्यक्ति हैं वो किस तरीके से काम करें, कोऑर्डिनेटेड काम करें। कोऑर्डिनेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों नेसेसरी है? क्योंकि जो टास्क है वो एट द एंड तभी कंप्लीट होगा जब इस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट अपना अपना कार्य एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए कार्य को पूरा करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो टास्क हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। मैं जो कार्य कर रहा हूँ, आप जो कार्य कर रहे हैं और या दूसरा ग्रुप जो कार्य कर रहा है, हम सब लोग मिलकर कोऑर्डिनेट अगर करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन में कार्य करेंगे, तो हम उस ऑब्जेक्टिव को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ईजीली अचीव कर पाएंगे। उसके बाद अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, फाइनल गोल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, इसी के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया गया है कि जो हमारे गोल्स हैं हम उन्हें अचीव करें। तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है यह किस पर ध्यान देता है, किस पर अपना ध्यान केंद्रित करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें हम किस प्रकार से अपने ऑब्जेक्टिव्स को कम्प्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन तथा कोऑर्डिनेशन का क्या अर्थ है और किस प्रकार से हम लोग कोऑर्डिनेशन के स्वरूप को समझ सकते हैं। तो यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप देखेंगे तो दो चीज़ें हैं, एक है इंटीग्रेशन, एक है डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन का क्या अर्थ है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, काम कर रहे हैं, वो सारे कहाँ हो रहे हैं, एक फाइनल आउटपुट में इंटीग्रेट हो रहे हैं। लेकिन ये इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है? पहले डिफरेंशिएशन है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, फिर इंटीग्रेशन है। तो अब हमें ये बहुत बैलेंस बनाना है, एक अच्छा सा कोऑर्डिनेशन डेवलप करना है। किस चीज़ में? डिफरेंशिएशन में। अलग अलग काम हुआ, अलग अलग लोगों ने काम किया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने काम किया, और या विद इन डिपार्टमेंट भी सभी के काम अलग अलग हैं, हर एम्प्लॉयज़ के रोल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट हैं, डिफरेंशिएट किए गए हैं, और सबको मिला के अब हमें बैलेंस बनाना है, कोऑर्डिनेट करना है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में, ताकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो कम्प्लीटली अचीव हो सके। तो यहाँ इन कोऑर्डिनेशन के लिए मिंट्सबर्ग ने कुछ नेचर में कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमें बताई, अब हम उनको डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो पहला है वह है म्यूचुअल एडजस्टमेंट। म्यूचुअल एडजस्टमेंट का क्या अर्थ है कि हम लोग फेस टू फेस जाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन को, और ये फाइनलाइज करते हैं कि हमारा जो वर्क प्रोसीजर होगा वो किस प्रकार का होगा या किस प्रकार से हम लोग अपने इस कार्य को पूरा करेंगे। म्यूचुअल एडजस्टमेंट के थ्रू दूसरा उन्होंने क्या बताया? डायरेक्ट सुपरविजन। यहाँ डायरेक्ट सुपरविज़न का क्या अर्थ है कि एक सुपरवाइज़र या एक पोजीशन इस्टेब्लिश की गई है और वो क्या करेगी, वो आपको डायरेक्ट करेगी कि आपको किस किस तरीके से कार्य करना है। तो इसके माध्यम से क्या है, अब वो एक ऐसा सेंट्रल पोजीशन है जो हमारा जो कोऑर्डिनेशन है उसे गवर्न कर रहा है, उसे डायरेक्ट कर रहा है। थर्ड उन्होंने बताया स्टैंडर्डाइजेशन। अब इसमें हमें क्या करना है कि प्लान करते हैं हम लोग ऐसे स्टैंडर्डाइज वे जिनके माध्यम से हम लोग कोऑर्डिनेशन को इनकॉर्पोरेट करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का क्या अर्थ है, एक ऐसे मानक के स्वरूप हम चीज़ों को इस्टेब्लिश कर देते हैं कि देखिए आप इस तरीके से कार्य करना है। तो वो जो स्टैंडर्डाइजेशन का है, मानक है हमारे पास, उसके माध्यम से हम लोग कोऑर्डिनेशन को इनकॉर्पोरेट कर पाते हैं। इसके उन्होंने कुछ और सब पार्ट्स बताए, जैसे कि पहला उन्होंने बताया बिहेवियर।
बिहेवियर में क्या करते हैं हम लोग कि किस तरीके से हमें बिहेव करना है, किस तरीके से हमें इंटरेक्ट करना है, ये जो किसी भी टास्क को कंप्लीट करने का बिहेवियर का जो सीक्वेंस है उसे हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि आपको इस तरीके से इस प्रोसीजर के थ्रू इस कार्य को करना है। तो यहाँ क्या होगा, अब वो जो स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है उसके माध्यम से हम लोग इस कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं। उसके बाद जो उन्होंने बताया वो बताया आउटपुट। आउटपुट का क्या अर्थ है कि ये रिज़ल्ट है, ये आउटपुट है, ये मेरा स्टैंडर्डाइज रिज़ल्ट है। तो अब हमें किसके अनुसार काम करना है, वो जो स्टैंडर्डाइज आउटपुट है, वो जो स्टैंडर्डाइज रिज़ल्ट है उसके माध्यम से हम लोग चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बताया स्किल, इसमें क्या है स्पेसिफिकेशन ऑफ स्किल, एबिलिटीज़, नॉलेज वो स्टैंडर्डाइज कर दी गई। उसके बाद नॉर्म्स, अर्थात हम एक स्पेसिफिक तरह के जो एटीट्यूड है, जो बिलीफ है, उसको मानकीय रूप में स्टैंडर्डाइज फॉर्म में इस्टेब्लिश करते हैं और उसके माध्यम से हम बिलीव्स के माध्यम से आगे जो बिहेवियर है उसको इस्टेब्लिश या कंट्रोल करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये सारी चीज़ें मिलकर हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार से उसकी फंक्शनिंग को प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट करने में मदद करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के, और उन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स एक डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते हैं जब जब हम उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए सभी कंपोनेंट्स की नॉलेज होना, उनकी फंक्शनिंग की अंडरस्टैंडिंग होना आवश्यक है। तो इसमें जो पहला है वह है जॉब या वर्क स्पेशलाइजेशन। वर्क स्पेशलाइजेशन का यहाँ पर क्या अर्थ है, डिवीजन ऑफ लेबर, कार्य को निर्धारित करना कि क्या क्या कार्य हमें पूरे करने हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और उन ऑर्गेनाइजेशंस को के इन डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत है, क्या क्या हमें नॉलेज की ज़रूरत है, और किस प्रकार ये जो डिफरेंट डिफरेंट टास्क हैं हम लोग कंप्लीट करेंगे, ये सब कहाँ आता है, वर्क स्पेशलाइजेशन के अंदर। और ये हम किसके द्वारा निर्धारित करते हैं, नेचर ऑफ वर्क क्या है, क्या कार्य मुझे करना है। तो जिस प्रकार का नेचर ऑफ वर्क होता है उस नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंगली मैं माना पूरे कार्य को छोटे छोटे बिट्स एंड पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ कि पूरा कार्य है इसको हमने इन चार पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इस नेचर के अकॉर्डिंगली इस वाले पार्ट को करने के लिए क्या स्किल्स चाहिए, इस वाले पार्ट को करने के लिए और कौन सी स्किल्स चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली मैं ये स्पेशलाइज्ड वर्क स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉयज़ को असाइन करता हूँ ताकि ये मेरा पूरा का पूरा काम इन बिट्स एंड पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क के थ्रू पूरा कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ यह पूरा का पूरा प्रोसेस हमने क्या किया, ये हमने वर्क स्पेशलाइजेशन के थ्रू कंप्लीट किया। इससे हमें बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं कि हमारा जो वर्क है वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, टाइम थोड़ा कम लगेगा, जो डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स हैं हमारे एम्प्लॉयज़ की वो हम अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेंगे क्योंकि कौन से टास्क के लिए क्या स्किल चाहिए और कौन सी स्किल मेरे किस एम्प्लॉय के पास है वो उसे मिल जाएगी। या जब कोई एक व्यक्ति एक कार्य को बार बार करेगा तो अब उसे पता है इस कार्य को मुझे कैसे करना है, लेकिन अगर मैं बताऊंगा ही नहीं, कुछ स्पेशलाइज नहीं है तो वो बार बार देखेगा उसे क्या इक्विपमेंट यूज़ करने हैं, क्या टूल्स यूज़ करने हैं, उसे उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग पूरी नॉलेज अवेलेबल है। तो क्या होगा, टाइम मेरा कम लगेगा, मेरे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन और बेहतर तरीके से मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कर पाऊँगा। उसके बाद जो सेकेंड है वह है डिपार्टमेंटाइजेशन।
डिपार्टमेंटलाइजेशन का क्या अर्थ है? कि जो डिफरेंट डिफरेंट वर्क हैं अब यहाँ पर, वो जो एक जैसे हैं, जो जॉब हैं, जो वर्क हैं, अब मैं क्या करूँगा, उन्हें एक ग्रुप में बना दूंगा। ये कैसे होने चाहिए? कॉमनली, जो सिमिलर हैं, कॉमन हैं। और जिनको मैं इजीली कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ, या कई बार हम लोग डिपार्टमेंटलाइजेशन लोकेशन के अकॉर्डिंगली कर लेते हैं, या कई बार प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली। लेकिन बेसिक जो मेरा पर्पस है वो है कि कब किस तरीके से मैं जो एक जैसे वर्क हैं, सिमिलर वर्क हैं, जिनका नेचर एक जैसा है, उन्हें मिलाकर एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बना दिया। अब मेरे लिए क्या आसान होगा? अब मुझे, क्योंकि उस डिपार्टमेंट में एक जैसे वर्क हैं, तो एक जैसे एम्प्लॉयज़ को मैं वहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ, मेरे लिए कोऑर्डिनेट करना आसान होगा। और कई बार ये और क्यों ज़रूरी हो जाता है, जैसे लोकेशन, माना एक लोकेशन पे मुझे अपना नया एस्टेब्लिशमेंट करना है, तो अब क्या होगा, मैं वहाँ के लिए एक नया डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश कर दूँगा। ये या मेरे एक और नया प्रोडक्ट है, एक और न्यू प्रोडक्ट मुझे इंट्रोड्यूस करना है, तो मैंने क्या किया, क्योंकि उस प्रोडक्ट को पूरा करने के लिए, डेवलप करने के लिए एक जैसे जो काम है, उनको मैंने एक जगह अलाइन किया, ग्रुप किया और एक डिपार्टमेंट डेवलप कर दिया। तो ये दोनों किस चीज़ के पर्पस हुए, कि हम किस तरीके से एक डिपार्टमेंट को डेवलप करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह है चैन ऑफ कमांड। चैन ऑफ कमांड का क्या अर्थ होता है? वो लाइन जो अथॉरिटी को डिस्क्राइब करती है, चैन ऑफ कमांड। जैसे यदि ये कार्य पूरा करना है, तो इस कार्य को पूरा करने के लिए इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, माना एक्स पोजीशन से आई, एक्स पोजीशन से वो एक्स वन पोजीशन पे आई, एक्स वन पोजीशन से एक्स टू पोजीशन पे आई, एक्स टू पोजीशन से वो एक्स थ्री पोजीशन पे आई, और फाइनली वो जिसको फाइनली ये काम करना है उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँची। तो ये जो चैन ऑफ कमांड है, ये इस्टेब्लिश करती है कि किस प्रकार जो इन्फॉर्मेशन है, जो ऑर्डर है, जो डायरेक्शन है, वो किस तरीके से व्यक्ति तक या एम्प्लॉयज तक पहुँचनी है। जैसे आप अपने आसपास देखते हैं, फैमिली में देखते हैं, इन्फॉर्मेशन आप तक कैसे आती है, एक प्रॉपर चैन ऑफ कमांड के थ्रू आती है। या आप अपने घर पे अगर अपनी मदर से कई बार कहते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है, पापा से कह दो, तो एक्चुअली आपने क्या यूज़ करने की कोशिश करी है कि हाँ ठीक है, इनके थ्रू मैं जाऊँगा इस चैन ऑफ कमांड से, तो पॉसिबिलिटी है कि जो मेरी डिमांड है वो पूरी हो जाए। लेकिन आपकी मदर आपको रिप्लाई करती है, नहीं नहीं इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, तुम जाके सीधा उनसे बात करो, क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई फंक्शनिंग में कोई रोल नहीं है। तो चैन ऑफ कमांड ये इस्टेब्लिश करती है कि लाइन ऑफ अथॉरिटी क्या है। यदि मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कार्य करता हूँ, और मेरी अथॉरिटी ये नहीं है कि मैं डायरेक्टली अपने यूनिवर्सिटी के वीसी से बात करूँ, लाइन ऑफ अथॉरिटी ये है कि मैं पहले एचओडी को, अपने डिपार्टमेंट के डीन को, फिर डीन रजिस्ट्रार को, फिर वीसी सर को, इस तरीके से हमारा जो कम्युनिकेशन का या अथॉरिटी का प्रोसेस है। तो ये इस्टेब्लिश कैसे हुआ, ये ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। इससे क्या बेनिफिट होता है हमारे पास, कि अब हमें पता है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन आनी है वो कहाँ से आनी है। जैसे यदि ये मुझे पता है कि मुझे क्या टास्क दिया जाएगा, मुझे क्या क्लासेस मिलेंगी, मुझे कौन सा कोर्स पूरा करना है, वो कहाँ से मिल रहा है, मुझे पता है मुझे मेरे डिपार्टमेंट के एचओडी से मुझे मिलेगा। तो अब मुझे ये पता है कि मेरे ऊपर कौन है, कहाँ से मुझे कमांड आनी है, और कहाँ से अगर जो कमांड आ रही है मुझे पूरी करनी है। तो यदि मुझे पता है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ डिपार्टमेंट एचओडी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट के पास है, तो अब मुझे पहले तो कंफ्यूज़ नहीं होना कि कोई और कह रहा है ये काम करना है तो मैं नहीं करूँगा, मुझे कंफ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि मुझे पता है कि क्या है। लेकिन अगर ये फाइनलाइज ना हो, तो हो सकता है और जितने भी सीनियर टीचर हैं या किसी भी पोजिशन पर है, वो कहें ये आपका टाइम टेबल है, तो अब दूसरा ये आपका टाइम टेबल है, या ये काम आपको करना है, दूसरा कहे ये आपको करना है। लेकिन जब यूनिटी ऑफ कमांड होगी,
चैन ऑफ कमांड में, तो आपको ये पता है कि आपके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन, जो डायरेक्शन आपको मिलनी है वो कहाँ से मिलनी है। कॉमनली आपको जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन या यूनिटी ऑफ कमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि जो एम्प्लॉई है उसको पता होना चाहिए कहाँ से मिलेगी, और वो जो सोर्स है वो हमेशा एक होना चाहिए ताकि उसे कन्फ्यूज़न ना रहे। उसके बाद स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ कंट्रोल का क्या अर्थ है कि कितने लोगों को मैं या कितने लोग मेरे अंडर में काम कर रहे हैं। मतलब मैं अगर कहूँ तो मेरे कहने से कितने लोग काम करेंगे, तो उससे क्या होगा, मुझे पता होगा मेरे पास कितने रिसोर्सेज हैं, कितने लोग मेरे अंडर में काम कर रहे हैं। तो अगर मुझे कोई काम मिलेगा, मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना है। उसके बाद सेंट्रलाइजेशन एवं डिसेंट्रलाइजेशन, यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन तथा डिसेंट्रलाइजेशन का क्या अर्थ है कि जो सेंट्रलाइजेशन का अर्थ है कि जो डिसीज़न मेकिंग की अथॉरिटी है, जो डिसीज़न मेकिंग की पावर है, वो किसी एक सेंटर पे लाई करती है। तो यदि हमें कोई भी एक डिसीज़न लेना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, तो हमें क्या करना होगा, वो जो सेंट्रलाइज पोजिशन है उसके पास जाना होगा, वो जो हमें डिसीज़न लेगी वो हमें आगे फॉलो करना है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि आप जो इमीडिएट वहाँ पे रेस्पॉन्सिबल है या जो इमीडिएट मैनेजर है, जो उस कार्य को देख रहा है, कर रहा है, उसके पास कुछ हद तक ये पावर है कि जो प्रॉब्लम आई है या जो उसके सामने टास्क हैं उन्हें पूरा करने के लिए उसे जिस तरह का डिसीज़न लेने की आवश्यकता है वो वहाँ पर डिसीज़न ले ले। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब हुआ कि जो पूरा सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ डिसीज़न मेकिंग है, वो कहीं एक जगह लाई कर रहा है, किसी एक पॉइंट पर लाई कर रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन में ये जो पॉइंट है, इसकी जो पावर है, ये कुछ कुछ हद तक अलग अलग पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मलाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन का क्या अर्थ है कि कितने स्टैंडर्ड फिक्स प्रोसीजर के द्वारा हम लोग अपने काम को करते हैं। तो जो अगर एक स्टैंडर्डाइज फिक्स प्रोग्राम है, प्लान है, तो अगर हम सभी उसको फॉलो करेंगे तो क्या होगा, जो आउटपुट होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा होगा। क्योंकि क्या किया है, ऑर्गेनाइजेशन का जो कार्य करने का तरीका है वो बहुत फॉर्मलाइज्ड है, फिक्स है, स्टैंडर्डाइज है। तो क्या होगा, सभी लोग एक जैसा काम कर रहे हैं, तो जो कार्य का एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी है आउटपुट की, वो क्या होगी, यूनिफाइड होगी, बहुत कम डिफरेंसेस वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स को, रेगुलेशंस को, जो डिसाइड किया गया है उसको फॉलो करते हैं। जो नेक्स्ट है वो है बाउंड्री स्पैन, बाउंड्री स्पैन का क्या अर्थ है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास ये पॉसिबिलिटी है कि वो दूसरे लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप डेवलप कर सकें। मतलब अगर मैं एक डिपार्टमेंट में काम करता हूँ तो मैं दूसरे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं उनके साथ भी फॉर्मल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप कर सकता हूँ। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसके जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में अपने इस डिस्कशन को कंप्लीट किया। तो अब हम लोग आगे कुछ तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस किस तरह के स्ट्रक्चर ऑलरेडी इस लिटरेचर में बताए गए हैं और उन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की क्या क्या स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हम लोग जो सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं वो है ब्यूरोक्रेटिक या ब्यूरोक्रेसी स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को किसने डेवलप किया, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी के स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज किया। मैक्स वेबर ने सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ब्यूरोक्रेसी के स्ट्रक्चर को बताया, इस्टेब्लिश किया और दूसरों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कन्वे की, और उसके बाद लोगों ने धीरे धीरे इस स्ट्रक्चर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करना शुरू किया।
तो ये जो वेबर का जो कॉन्सेप्ट है, यह कॉमनली दो चीज़ों पर आधारित है, वह है फॉर्मेलिटी और अथॉरिटी। अर्थात इस स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि इन दोनों के बेसिस पर इस पूरे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डेवलप करने का प्रयास किया गया है। तो इसमें 6 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। तो जैसे इसमें पहले बताया गया स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर का क्या अर्थ है? वर्क स्पेशलाइजेशन जैसा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिकली वेल डिफाइंड तरीके से किसी कार्य को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि ये एक स्पेसिफिक कार्य है, इस स्पेसिफिक कार्य के ये सब सेक्शंस हैं। पूरी तरीके से वेल डिफाइंड होता है कौन उसे काम करेगा, इस काम को करने के लिए किन किन स्पेसिफिक स्पेशलाइज नीड्स की स्किल्स की नीड होगी, और हम उसके बेसिस पर स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर को निर्धारित करते हैं। उसके बाद वेल डिफाइंड अथॉरिटी हायरार्की, अर्थात ये जो अथॉरिटी है कि किसके पास क्या पावर होगी, कौन किसको कितना इन्फ्लुएंस करेगा, हम उसे बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में बिल्कुल वेल डिफाइंड तरीके से इस्टेब्लिश करते हैं, और ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किसके पास क्या अथॉरिटी होगी और वो उस अथॉरिटी का किन किन कॉन्टेक्स्ट में किस किस प्रकार से उपयोग कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मल रूल्स और प्रोसीजर्स। इसका क्या अर्थ हुआ कि हम लोगों ने यूनिफॉर्म रूल्स बनाए हैं, यूनिफॉर्म रेगुलेशंस बनाए हैं, और वो जो यूनिफॉर्म रूल्स या रेगुलेशंस इस्टेब्लिश किए गए हैं हमें स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करना है। तो यदि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये रूल है कि सभी को इसी ड्रेस कोड में आना है, तो अब क्या होगा, सभी लोग फॉर्मली उसी बिहेवियर पैटर्न को फॉलो करेंगे। रेगुलेशंस अर्थात अगर एक कोई प्रोसीजर हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है कि हम इस कार्य को इसी प्रोसीजर से कंप्लीट करेंगे, तो अब क्या होगा, उसी रेगुलेशन को फॉलो करते हुए सभी एम्प्लॉयज़ को अपना टास्क कंप्लीट करना है। इम्पर्सनैलिटी अर्थात यहाँ पर हम लोग इमोशंस को नहीं, किसको ज़्यादा फोकस करेंगे, हम लॉजिकल थिंकिंग को कि नहीं ठीक है ये काम आप कर दीजिए, नहीं, जो डिसाइडेड है, जिसका काम है लॉजिकली डिस्ट्रीब्यूट किया है, और लॉजिकली हम फोकस करते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट टास्क को कंप्लीट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट डिसीजन बेस्ड ऑन द मेरिट, अर्थात जब हम किसी को सेलेक्ट करेंगे कि आपको ये काम करना है, तो ये किसके बेसिस पर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उस व्यक्ति के स्पेशलाइज स्किल्स और उसके मेरिट के बेसिस पर, लॉजिकली जैसा हमने कहा। तो यहाँ पर हम लोग उसकी जो स्किल्ड हैं स्पेशलाइज, उसी के बेसिस पर हम लोग उसका जो एम्प्लॉयमेंट का डिसीजन है फाइनलाइज करेंगे। एम्फेसिस ऑन द रिटन रिकॉर्ड, रिटन रिकॉर्ड का क्या अर्थ है कि जो हमारे पास डिफरेंट टास्क है उन्हें यूनिफॉर्म वे पे हम लोगों ने फेयरली लिखा है, तो उससे क्या चांसेस होंगे कि और एम्प्लॉयज़ के लिए जो उनका ट्रीटमेंट है अर्थात जिस तरीके से उनको साथ बिहेव करना है वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, फेयर होगा, तो किसी को इनजस्टिस का या मेरे साथ अनफेयर हुआ इस तरह के जो परसेप्शन की पॉसिबिलिटीज़ है वो कम होगी। तो यहाँ हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया, अब हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, वो है लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसमें क्या करते हैं, हम लोग एक ऐसी लाइन बनाते हैं या एक लाइन जिसे हम कहते हैं वो वाले एम्प्लॉयज़ जो डायरेक्टली उस काम में इन्वॉल्व हैं, जो डायरेक्टली उस टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, डायरेक्टली इंगेज हैं एक्टिविटीज़ में, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उन्हें अकम्प्लिश करने में। और जो सेकंड है वो क्या है, वो एक स्पेशलाइज पोजीशन हमने ऐसे डिसाइड की हैं, डिज़ाइन की हैं, जो क्या कर रही है, ये लाइन वाले जो लोग हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं काम में उनको सपोर्ट कर रही है, उनके काम करने के जो तरीके हैं या काम करने में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सपोर्ट हैंड की तरह काम कर रही हैं। जैसे यदि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में देखें एजुकेशन का कोई स्ट्रक्चर है, तो जो यूनिवर्सिटी का जो मेन टास्क है वो क्या है, टीचिंग, तो टीचिंग कौन डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है, टीचर्स। टीचर्स जो यूनिवर्सिटी का मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उसे कंप्लीट करने में डायरेक्टली इंगेज हैं, लेकिन उनके साथ साथ और कौन है, उनके साथ साथ सपोर्टिंग स्टाफ भी है, जैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ है,
या जो और सपोर्टिव स्टाफ दिया गया है, तो ये जो पोजीशन है ये किसके लिए बनाई गई है कि जो लाइन स्टाफ में जो काम कर रहा है उसको जब सपोर्ट की किसी चीज़ की ज़रूरत है तो ये सपोर्टिंग स्टाफ उनको वहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है ताकि वो अपने कार्य को भली भांति पूरा कर सकें। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या क्या है हमारे पास? पहला है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का क्या अर्थ है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या एम है, मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों डेवलप की है। जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, जो नेचर है, नेचर ऑफ वर्क है, यह निर्धारित करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आप देखेंगे जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अलग होता है, जो एनजीओज हैं उनका अलग होगा, जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका कॉमनली आप देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो पर्पस हैं, जो टास्क हैं जो इन्हें कंप्लीट करने हैं वो डिफरेंट हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी, अर्थात जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो किस प्रकार की है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे एम्प्लॉयज़ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसी तरीके से टेक्नोलॉजी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए। तो जिस प्रकार के टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स या टेक्नोलॉजिकल टूल्स या टेक्नोलॉजिकल नॉलेज हमारे पास है वो हमें हेल्प करती है ये आइडेंटिफाई करने में कि अब हम लोग इस तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को या इस तरीके से वर्क स्पेशलाइजेशन को या फॉर्मल जो हमारे रूल्स हैं उन्हें किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करेंगे। फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का क्या अर्थ है? ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर इस्टेब्लिश है उसके आसपास का कॉन्टेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन के जो कस्टमर बेस हैं वो, अर्थात ऑर्गेनाइजेशन के विधिन काम करने वाले एम्प्लॉयज़ और विधिन कंपोनेंट्स के अतिरिक्त भी ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिफरेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं प्रभावित करते हैं। तो उन सभी का ध्यान रखते हुए हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करना है। हमारा कस्टमर बेस कैसा है, हमारा सोशल कॉन्टेक्स्ट कैसा है, जिस लोकेशन पे हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की है उस लोकेशन की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, या उसमें किस किस तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, या किस तरीके से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उस स्पेसिफिक एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट में फुल्ली फंक्शनिंग करने के लिए इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डेवलप करते हुए कंसिडरेशन रखना होता है। उसके बाद एम्प्लॉयज़, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्या डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, वो किस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, क्या उनकी सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस है, क्या उनकी स्किल्स हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, ये सब भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को एक महत्वपूर्ण रूप में प्रभावित करते हैं। उसके बाद साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें कितने लोग काम करते हैं, वो क्या काम करते हैं, कितनी बड़ी मेरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो जितने बड़ी मेरी ऑर्गेनाइजेशन होगा या मेरी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बहुत छोटा है, तो ये सब इस बात पर निर्धारित कर रहे हैं कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को किस प्रकार का स्ट्रक्चर देने वाले हैं। तो आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन जितनी बड़ी, जितनी वेल इस्टेब्लिश होती जाती है, आप देखेंगे उनका स्ट्रक्चर उसी तरीके से इस्टेब्लिश किया जाता रहता है। यदि ऑर्गेनाइजेशन साइज़ में बहुत छोटी है तो आप देखेंगे कि उन लोगों का जो स्ट्रक्चर होगा वो बहुत इनफॉर्मली इस्टेब्लिश होगा। उसके बाद फंक्शंस, अर्थात हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमें कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस कार्य पूरे करने हैं। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है उसी से मेरी ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस हैं वो भी निर्धारित होते हैं। तो अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे अपने ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ये भी देखना है कि इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मुझे ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस पूरे करने हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे किन्हीं की हेल्प करनी है,
या एनजीओ मुझे इस्टेब्लिश किया है, मुझे ये देखना है कि मुझे कुछ गरीब महिलाओं की हेल्प करनी है, तो मुझे देखना होगा कि इसके लिए मुझे कौन कौन से फंक्शंस में इन्वॉल्व होना होगा। तो उन फंक्शंस के बेसिस पर, फंक्शंस को कंसिडर करते हुए मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डेवलप करता हूँ। तो यहाँ आज के लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अर्थ को समझा, उसके महत्व को समझा और ये जाना कि किस प्रकार ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस के लिए ज़रूरी है। हमने कुछ तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को उदाहरण के रूप में समझा। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स हैं जिन्हें आप अपनी बुक्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।